Hi students, welcome in the online classes of DAV school. As you know, in the class 7th G Science, we are on the chapter 7th Respiration in the Organisms. Today we discuss the part ABC of this chapter. In the part A, there is fill in the blanks. First one is lactic acid is produced during डैश रेस्पिरेशन, तो फर्स्ट में आएगा एनएरोबिक. सेकंड इज इंसेक्ट हैव ऑर्गन कॉल डैश फॉर इंफॉर्मेशन ट्रेचिया, सेकंड में क्या आएगा ट्रेचिया. टेकिंग इन ऑफ एयर रिच इन ऑक्सीजन इज कॉल्ड इंस्पायरेशन. एन अडल्ट ह्यूमन बीइंग नॉर्मली ब्रीथ फ्रॉम डैश टू डैश 14 to 20 times पर मिनट, 20 बार सांस लेता है पर मिनट. द मूवमेंट ऑफ द लंग्स इज कंट्रोल्ड बाय डैश एंड डैश, मूवमेंट ऑफ लंग्स कंट्रोल्ड बाय रिब केज एंड डायफ्राम, यहाँ पे फिफ्थ में आएगा रिब केज एंड डायफ्राम. नेक्स्ट डैश इज एक्ट एज द रेस्पिरेटरी कैरियर ऑफ आवर बॉडी, तो यहाँ आएगा हीमोग्लोबिन, क्या आएगा हीमोग्लोबिन. पार्ट बी मैच द राइट, तो फर्स्ट क्या है लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड जाएगा मसल क्रैम्प, लैक्टिक एसिड किस में जाएगा मसल क्रैम्प, दिस वन इज. स्टोमाटा, स्टोमाटा जाएगा ट्रांसपायरेशन. नेक्स्ट थर्ड इज रेस्पिरेटरी कैरियर, रेस्पिरेटरी कैरी जाएगा हीमोग्लोबिन पार्ट ई. और फोर्थ इज लेंटिसेल्स, लेंटिसेल जाएगा पोर्स ऑफ द ब्रांचेज. अल्कोहल लास्ट डी विद डी, मैच विद डी, फर्मेंटेशन ऑफ द यीस्ट. नाउ द पार्ट सी, टिक द करेक्ट ऑप्शन. रेस्पिरेशन इज हेल्प्स इन, रेस्पिरेशन इज हेल्प्स इन, तो इसका जो आंसर रहेगा आपका दीज आर द आंसर्स, प्लीज टिक कर लेंगे. फर्स्ट का आंसर आएगा ऑब्टेनिंग एनर्जी डी पार्ट, सेकंड का आएगा एक्सचेंज ऑफ गैसेस, थर्ड का आएगा इज एरोबिक रेस्पिरेशन, फोर्थ का बी ऑक्सीजन एंड फिफ्थ का सिन. ये आपने फिलअप कर लेने हैं बुक में. पार्ट सी के दीज आर द आंसर्स. ओके नाउ वी स्टार्ट पार्ट डी, क्वेश्चन आंसर्स. दीज क्वेश्चन आंसर्स यू हैव टू राइट ऑन द ऑन योर नोटबुक. द फर्स्ट इज डिफाइन रेस्पिरेशन, नेम टू टाइप्स ऑफ द रेस्पिरेशन. द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडाइज्ड द फूड टू प्रोड्यूस एनर्जी बाय द लिविंग बींग इज कॉल्ड रेस्पिरेशन. वो प्रोसेस, वो जिसमें क्या किया जाता है कि भोजन को, भोजन को ऑक्सीडाइज करके एनर्जी उसमें से ली जाती है, उसको बोलते हैं रेस्पिरेशन. टू टाइप्स ऑफ द रेस्पिरेशन आर एरोबिक एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन. नेक्स्ट इज नेम द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स ऑफ द फॉलोइंग, क्रैब, मैन, लीच एंड इंसेक्ट. इनके रेस्पिरेटरी सिस्टम बताने हैं, क्या क्या ऑर्गन क्या क्या हैं. क्रैब की होती हैं गिल्स, मैन हैविंग लंग्स, लीच बाय स्किन एंड इंसेक्ट ट्रेचिया. डिफाइन ट्रांसपरेशन, लॉस ऑफ वाटर वेपर थ्रू स्टोमाटा. द लेंटी सेल्स इन प्लांट्स इज कॉल्ड द ट्रांसपरेशन, पानी का लॉस होना विद इन द फॉर्म ऑफ वाटर, वाटर वेपर की फॉर्म में स्टोमाटा के द्वारा लॉस ऑफ वाटर होना क्या कहलाता है, ट्रांसपरेशन कहलाता है. लेंटी सेल्स जो होते हैं स्टोमाटा और लेंटी सेल्स के द्वारा, वो कहलाता है ट्रांसपरेशन. डिफाइन द टर्म द ब्रीथिंग रेट, द नंबर ऑफ ब्रीथिंग्स पर मिनट इज कॉल्ड द ब्रीथिंग रेट, एक मिनट में कितनी बार सांस लिया जाता है वो कहलाता है ब्रीथिंग रेट. नेम द बॉडी ऑर्गन विच हेल्प द लंग ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग, डायफ्राम एंड रिब्स, डायफ्राम एंड रिब्स. वाई डू वी नीड टू ब्रीथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड को
बाहर निकालने की ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है? द आंसर इज कार्बन डाइऑक्साइड इज़ ए हार्मफुल गैस। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? नुकसानदेह गैस है। इट कैन प्रूव लीथल इफ़ द इट एक्यूमुलेट्स इन द बॉडी, हैंस वी नीड टू ब्रीथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमें क्या करना चाहिए? इसको बाहर निकाल देना चाहिए। नाउ पार्ट ई, वाई डू वी गेट मसल क्रैम्प आफ्टर हैवी एक्सरसाइज? हैवी एक्सरसाइज के बाद हमें मसल क्रैम्प क्यों हो जाता है? एनएरोबिक रेस्पिरेशन ऑल्सो हैपन्स इन आवर मसल्स। हमारे मसल्स में वायु की अनुपस्थिति में यानी एनएरोबिक रेस्पिरेशन होती है। व्हेन देयर इज एक्स्ट्रा डिमांड ऑफ एनर्जी बाय द मसल सेल्स, मसल सेल्स को ज़्यादा एनर्जी की जब ज़रूरत होती है, व्हेन वी डू हैवी एक्सरसाइज आवर मसल्स नीड मोर एनर्जी। जब हम हैवी एक्सरसाइज करते हैं तो हमें ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। एनोरोबिक रेस्पिरेशन हेल्प हैपन्स इन द मसल सेल्स टू प्रोवाइड एक्स्ट्रा एनर्जी। एनोरोबिक रेस्पिरेशन किस लिए होती है? कि वो एक्स्ट्रा एनर्जी मसल्स को दे सके। एज ए रिजल्ट ऑफ दिस लैक्टिक एसिड इज रिलीज इन द मसल्स। मसल्स में लैक्टिक एसिड रिलीज हो जाता है। ड्यू टू लैक्टिक एसिड वी गेट मसल क्रैम्प्स, इसलिए हमें मसल क्रैम्प्स हो जाते हैं। वाई डज ए पोटीड प्लांट डाई वैन ओवर वाटर्ड? कोई पौधा उसमें पानी ज़्यादा हो जाए तो क्यों मर जाता है? वैन ए प्लांट इज ओवर वाटर्ड इज नीड टू गेट द रीड ऑफ एक्सेस वाटर थ्रू ट्रांसपरेशन। जब पौधे में पानी ज़्यादा हो जाए तो वो ट्रांसपरेशन द्वारा पानी निकाला जाना चाहिए। बट द रेट ऑफ ट्रांसपरेशन मे नॉट बी एबल टू रिमूव एक्सेस वाटर। अगर पानी ट्रांसपरेशन द्वारा नहीं निकाला गया, ड्यू टू दिस एन ओवर वाटर प्लांट यूजली डाइज, इसलिए क्या है, ज़्यादा पानी नहीं निकल सकता, इसलिए क्या है, पौधा मर जाता है। वेयर आर द स्टोमाटा फाउंड इन द प्लांट, स्टेट इज देयर फंक्शन? स्टोमाटाज आर प्लांट प्रेजेंट इन ऑन द सरफेस ऑफ लीव। पत्ते की सतह के ऊपर स्टोमाटा होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं एक तरह से। एक्सचेंज ऑफ गैसेज हैपन थ्रू द स्टोमाटा, स्टोमाटा के द्वारा गैसेज का एक्सचेंज होता है। हाउ इज ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम लंग्स टू द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी? ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स एंटर्स इन द ब्लड थ्रू वॉल एलोवली। आफ्टर दैट हीमोग्लोबिन कैरीज ऑक्सीजन टू द डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। ऑक्सीजन क्या है? लंग्स में ब्लड के द्वारा वाल्स ऑफ एलोवली में से ले जाती है। आफ्टर दैट उसके बाद हीमोग्लोबिन कैरियर्स जो होते हैं कैरीज करती है ऑक्सीजन को अलग अलग ऑर्गन्स में। हीमोग्लोबिन कहाँ प्रेजेंट होता है? हमारे ब्लड के अंदर। ड्राई नीट एंड वेल लेबल्ड डायग्राम ऑफ द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो डायग्राम आपकी बुक के अंदर भी है, ये एक बार देख भी लें। आपने ये डायग्राम ड्रा करना है, ये वाला ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, दिस वन ये बुक के अंदर भी है आपके, आपकी वहाँ से देखकर आप इसको ड्रा कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्रा डिस्क्राइब एन एक्टिविटी टू शो द एक्सहेल्ड एयर कंटेन्स कार्बन डाइऑक्साइड। फॉर दिस टेक ए टेस्ट ट्यूब एंड फिल इट विद द फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर। हमें ये शो करना है कि जो हवा हम सांस लेते हुए बाहर निकालते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, तो आप उसके लिए क्या करेंगे? ये बुक में भी हमने रीड किया था। एक टेस्ट ट्यूब लेंगे और उसको क्या है, फिल कर देंगे लाइम वाटर के साथ, नींबू का पानी उसमें डाल देंगे। टेक ए ड्रिंकिंग स्ट्रॉ इन योर माउथ, हमारे मुंह में हम ड्रिंकिंग स्ट्रॉज जो होती हैं उसको लेंगे। एंड ब्लो एयर थ्रो दिस इन लाइम वाटर, उसमें क्या है, हम फूंक मारेंगे, उसके अंदर हवा को प्रवेश करवाएंगे। यू विल नोटिस दैट द लाइम वाटर टर्न्स मिल्की, जो लाइम वाटर है वो वाइट कलर का हो जाएगा, मिल्की दूधिया रंग हो जाएगा उसका। दिस हैपन्स बिकॉज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यह किस लिए होता है, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण होता है। दिस शोज दैट द एक्सहेल्ड एयर कंटेन्स कार्बन डाइऑक्साइड, यह दिखाता है कि जो हवा हम
सांस लेते हुए छोड़ते हैं तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है। लास्ट वन इज डिस्क्राइब द चेंजेस दैट टेक प्लेस अराउंड द रिब केज डायाफ्राम चेस्ट कैविटी ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। इन तीनों में क्या क्या चेंजेस आते हैं रेस्पिरेशन इंस्पिरेशन के द्वारा के दौरान, स्टेट द इफेक्ट ऑफ द दीज चेंजेस, इन चेंजेस का इफेक्ट भी बताइए। द रिब केज इज लिफ्टेड अपवर्ड, रिब केज क्या है ऊपर की तरफ उठ जाता है। द डायाफ्राम इज लोअर्ड, डायाफ्राम नीचे की तरफ चला जाता है। एंड द चेस्ट कैविटी एक्सपैंड, और चेस्ट कैविटी क्या हो जाती है फूल जाती है एक्सपैंड हो जाती है। विद दी चेंजेस, इन चेंजेस के द्वारा लंग्स ऑल्सो एक्सपैंड, लंग्स भी क्या हो जाते हैं एक्सपैंड होते हैं। एक्सपेंशन ऑफ द लंग रिजल्ट सॉरी एक्सपेंशन ऑफ द लंग्स रिजल्ट इन एयर मूविंग इन साइड द लंग्स, जो हवा है एक्सपेंड होने के कारण लंग्स के उसके अंदर प्रवेश कर सकती है अंदर जा सकती है। ओके, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस बच्चे पूछते हैं बार बार, नहीं करने हैं, पहले हमारे सिलेबस में होते थे, अब हमारे सिलेबस में वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस नहीं होते, ठीक है। तो पार्ट ई तक ही आपने करना है ये क्वेश्चन, सारे के सारे आपने क्या करने हैं डी और ई के नोटबुक में राइट करने हैं, और ए बी सी जो हैं वो बुक में फिलअप करने हैं, और डी एंड ई यू हैव टू राइट ऑन द नोटबुक। ओके, बी एट होम, बी सेफ, थैंक यू।